नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारी YouTube चैनल बाउंड एडुकेशन में। हम झारखंड के भूगोल का सीरीज़ कर रहे हैं और ये झारखंड के भूगोल का चौथा सीरीज़ होगा। हम इससे पहले 3 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। अगर आप उनको नहीं देखे हैं तो वहाँ से जाकर देख लें, क्योंकि हमारे जो वीडियोज़ होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और इस लेसन को समझने में आपकी मदद करेंगे। तो चलिए आज के लेसन को शुरू करते हैं। आज हम लोग उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में कितने ज़िले हैं, उसके बाद देखेंगे उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, उसके बाद सभी जिलों का गठन कब कब हुआ उनके बारे में जानेंगे, फिर उद्योग और खनिज तत्व यहाँ कौन कौन से पाए जाते हैं उन सब का अध्ययन करेंगे, सबसे ऊँचा पर्वत के बारे में जानेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके बाद उत्तरी छोटा नागपुर के पठार, मृदा, नदी, जलप्रपात, जलकुंड इन सब के बारे में जानेंगे, फिर जो इन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं उन सब का अध्ययन करेंगे। उसके बाद अंत में मैं आपको हर दिन की तरह एक प्रश्न दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है। तो चलिए आज के लेसन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में कितने ज़िले हैं। तो हम लोग जानते हैं कि उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल क्या है, सबसे बड़ा प्रमंडल है और इसमें कितने ज़िले शामिल है, इसमें 7 ज़िले शामिल होते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय हजारीबाग में है, ठीक है। इसमें 7 ज़िले कौन कौन से हैं, हजारीबाग सबसे बड़ा है और यहीं इसका मुख्यालय है। तो हजारीबाग हो गया, गिरिडीह हो गया, चतरा हो गया, उसके बाद बोकारो, धनबाद और ये जो नहीं लिखा हुआ ये है रामगढ़ और इधर वाला है कोडरमा, ठीक है। तो 7 ज़िले कौन कौन से हैं, हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह, कोडरमा, बोकारो, धनबाद, रामगढ़, ये 7 ज़िले उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में स्थित हैं। तो अगर हम लोग इसके गठन के बारे में बात करें तो उत्तरी छोटा नागपुर के सभी ज़िलों का गठन कब कब हुआ उन सब के बारे में जानते हैं। तो देखिए जो हजारीबाग है, हजारीबाग सबसे पहले बना था कब, 1833 ईस्वी में, किस किसी बुक में 1834 भी आपको मिल सकता है, ठीक है। तो हम लोग जान रहे कि 1833 के टाइम में क्या था, ये जो पूरा लाल घेरा दिख रहा है ये टोटल हजारीबाग का हिस्सा हुआ करता था। उसके बाद गिरिडीह अलग हुआ, गिरिडीह कब अलग हुआ, गिरिडीह 1972 में अलग हुआ, 1972 में हजारीबाग से गिरिडीह अलग हुआ, ठीक है, 1972 है ये। उसके बाद हम लोग देखते हैं तब ये टोटल एरिया, गिरिडीह तो अलग हो गया, तब ये टोटल एरिया जो हो जाएगा, ये टोटल एरिया उस टाइम हो गया किसका, हजारीबाग का, ठीक है। उसके बाद चतरा अलग हुआ, चतरा कितना में अलग हुआ, 1991 में, ठीक है। और सेम टाइम में ये जो टोटल एरिया था ये बोकारो और धनबाद मिला के एक ही एरिया था, उसी टाइम धनबाद से जो बोकारो अलग हुआ, धनबाद से बोकारो टोटल धनबाद कहलाता था उस टाइम, सेम टाइम में धनबाद से बोकारो कब अलग हुआ था, 1991 ईस्वी में, ठीक है। फिर कोडरमा अलग हुआ 1994 ईस्वी में, कोडरमा उसके बाद अलग हुआ कब, 1994 ईस्वी में कोडरमा अलग हुआ। उसके बाद 1996 ईस्वी में धनबाद अलग हुआ, 1996 में धनबाद बना, ठीक है। और सबसे अंत में अलग हुआ 2007 में, जो सबसे नवीनतम जिला बना वो है रामगढ़, ठीक है। इसको एक डिटेल्स में आप देख सकते हैं, हजारीबाग कब अलग हुआ, हजारीबाग 1833 में अलग हुआ, चतरा कब अलग हुआ, चतरा 1991 में अलग हुआ, गिरिडीह कब अलग हुआ, 1972 में, बोकारो कब अलग हुआ, 1991 में, कोडरमा कब अलग हुआ, 1994 में, धनबाद कब अलग हुआ, 1996 में, और सबसे नवीनतम जो ज़िला बना वो अलग हुआ था 2007 में, ठीक है। अगर इन सारे ज़िलों को आप एक ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो एक ट्रिक आज का ट्रिक बन के आता है कि देखिए एक इस ट्रिक के मदद से आप लोग याद कर सकते हैं। राम एक धनी व्यक्ति है, राम बहुत ही धनी व्यक्ति है, ठीक है। राम क्या है, राम बहुत ही एक धनी व्यक्ति है, उनके पास बहुत सारे बकरे हैं जिनको चीता और गिदड़ क्या करते हैं, मार डालते हैं, ठीक है। तो देखिए राम से हो गया रामगढ़, ठीक है, राम से हो गया रामगढ़, राम से रामगढ़ हो गया, धनी से हो गया धनबाद, फिर है से हो गया हजारीबाग, हजारीबाग,
बकरों से हो गया बोकारो, बकरों से कुछ कुछ अलग बन ही नहीं सकता, बोकारो आप भूल ही नहीं सकते इसको, बकरों से क्या हो गया बोकारो, ठीक है। उसके बाद चीता से क्या हो गया चतरा, गिदड़ से क्या हो गया गिरिडीह, ठीक है। इस पर का 7 जिले को आप आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या उद्योग और खनिज है, एक एक जिला वाइज हम लोग देखते हैं। तो धनबाद में क्या क्या पाया जाता है देखते हैं। धनबाद जो कि एक कोल माइनिंग के लिए पूरे देश में मशहूर है, इसको पूरे देश में कोयला की राजधानी भी कहा जा सकता है। तो धनबाद क्या है, धनबाद एक कोल माइनिंग के लिए पूरे देश में मशहूर है, ठीक है, और इसे देश का कोयला की राजधानी भी कहा जाता है, ठीक है। धनबाद में उर्वरक का बहुत बड़ा कारखाना हुआ करता था जिसको 2002 में बंद कर दिया गया था, ठीक है। सबसे बड़ा और सब उर्वरक का कारखाना भी धनबाद में हुआ करता था जिसे कुछ कंट्रोवर्सीज़ के चलते 2002 में बंद कर दिया गया था, लेकिन हाल ही में खबर आया है कि इसे फिर से शुरू करने का प्लानिंग बन रहा है। उसके बाद देखते हैं कोडरमा में क्या मिलता है। तो कोडरमा में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अभ्रक उत्पन्न करने वाले जगहों में सबसे अग्रीन है, और उसमें आंध्र प्रदेश और राजस्थान का भी नाम आता है। कहीं कहीं आप देखेंगे आंध्र प्रदेश को भी अग्रणी बताया गया है, लेकिन अधिकतर आपको किताबों में, झारखंड की किताबों में कोडरमा को ही पूरे देश में अभ्रक उत्पन्न करने वाले जगहों में अग्रणी में रखा गया है। फिर बोकारो में इस्पात उद्योग के लिए बोकारो मशहूर है। बोकारो किस लिए मशहूर है, इस्पात उद्योग के लिए बोकारो मशहूर है। फिर सबसे ऊंचा पर्वत, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बनता है इस प्रमंडल के बारे में, गिरिडीह में जो कि स्थित है। पूरा झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, पारसनाथ का पर्वत, ठीक है। पारसनाथ का पर्वत सबसे ऊँचा है झारखंड में, और ये कहाँ स्थित है, गिरिडीह में स्थित है, ठीक है। गिरिडीह में सबसे ऊंचा पर्वत स्थित है, क्या नाम है उसका, पारसनाथ, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर या फिर 4440 फीट इसकी ऊंचाई है, ठीक है। उसके बाद सबसे ऊंचा शिखर को क्या कहते हैं, इसकी सबसे ऊंचा शिखर को सम्मेद शिखर कहते हैं, और इस पारसनाथ की पहाड़ी को और भी क्या कह सकते हैं, पारसनाथ की पहाड़ी को मधुबन भी कहा जा सकता है, ठीक है। और एक तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ जो 24 तीर्थांकर हुए उनमें से 20 तीर्थांकर ने इस जगह पे मोक्ष प्राप्त किए थे, ठीक है। उत्तरी छोटा, अब देखते हैं कि उत्तरी छोटा नागपुर के पठार, मृदा, नदी, जलप्रपात, जलकुंड आदि के बारे में, ठीक है। पारसनाथ के बारे में और एक चीज़ मैं बता दूँ कि इसके लिए मैं एक डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, इसीलिए इसके लिए मैं एक डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, उत्तरी छोटा नागपुर के आप देखते हैं पठार, नदी क्या होता है, ठीक है। तो उत्तरी छोटा नागपुर का लगभग अधिकतर हिस्सा में क्या पाया जाता है, लाल मिट्टी पाया जाता है, ठीक है। फिर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है हजारीबाग का पठार, ठीक है। ये जो ये टोटल एरिया आप देख रहे हैं, ये टोटल एरिया को हजारीबाग का पठार कहा गया है। इस पठार को दो भागों में बांटा गया है, तो ऊपरी हजारीबाग का पठार, ये जो रांची का पठार है उसका जस्ट समानांतर में स्थित है ऊपरी हजारीबाग का पठार, ठीक है। ऊपरी हजारीबाग का पठार, इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी समुद्र तल से ऊँचाई है 600 मीटर। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि ऊपरी हजारीबाग का पठार कितना ऊँचा है, 600 मीटर लगभग समुद्र तल से ऊंचाई है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है निचला हजारीबाग का पठार, ये आप देख सकते हैं उसके जस्ट ऊपर है निचला हजारीबाग का पठार। ये कहाँ, झारखंड के उत्तर में स्थित है, और ये ऊपरी हजारीबाग के पठार के उत्तर, उसके भी उत्तर में स्थित है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितना है, उसकी ऊंचाई 450 मीटर स्थित है, 450 मीटर है, और इसी पठार में हम लोग का पारसनाथ का पहाड़ी स्थित है, ठीक है। प्रमुख नदियां कौन कौन सी है वे देख लेते हैं। तो इस जो उत्तरी छोटा नागपुर के पठार का प्रमुख दो नदियां हैं, एक तो दामोदर नदी, ये जो नदी आप जाते हुए देख सकते हैं, ये दामोदर नदी है, और इधर से जो आ रहा है गिरिडीह साइड से, ये हो गया ब्राकर नदी जो आके दामोदर नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो पहले देखते हैं दामोदर नदी। तो दामोदर नदी का उद्गम कहाँ है, दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर का पठार लातेहार जिला के टोरी क्षेत्र में, ठीक है। कहाँ स्थित है, लातेहार जिला के
टोरी क्षेत्र में। ये रहा, ये देखिए लातेहार जिला के टोरी क्षेत्र में, यहाँ से उद्गम होके इधर से आता है बोकारो धनबाद होके इधर से फिर बंगाल की खाड़ी में जाके मिलता है, ठीक है। मुहाना कहाँ है, ये देखिए हुगली। मुहाना मतलब क्या होता है, जहाँ पे मतलब वो नदी समाप्त हो जाता है। तो मैंने बताया कि मुहाना कहाँ है, हुगली नदी पे स्थित है, और दामोदर नदी लातेहार जिला से निकल के हुगली नदी में मिल जाता है। प्रवाह क्षेत्र इस उत्तरी छोटा नागपुर में कहाँ कहाँ से होकर बहता है, हजारीबाग से बहता है। जब मैं नदी का डिटेल से चैप्टर बनाऊंगा तब मैं हर एक नदी का डिटेल से वर्णन करूंगा, क्योंकि ये उत्तरी छोटा नागपुर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसमें अधिकतर ध्यान देंगे कि उत्तरी छोटा नागपुर में क्या क्या चीज़ महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ठीक है। तो अपवाह क्षेत्र में क्या क्या होगा, हजारीबाग से गुजरता है, गिरिडीह से गुजरता है, धनबाद और बोकारो से ये गुजरता है, ठीक है। उसके बाद बराकर नदी, जैसा कि मैंने बताया ये जो इधर से नदी आ रहा है ये बराकर नदी है, और ये कहाँ मिल जाता है, दामोदर नदी में मिल जाता है। तो उद्गम स्थान का उत्तरी छोटा नागपुर का पठार में ही इधर साइड इसका उद्गम स्थान है, फिर मुहाना दामोदर नदी में जाके मिल जाता है। अपवाह क्षेत्र आप देख सकते हैं, हजारीबाग है, गिरिडीह धनबाद है, इसका अपवाह क्षेत्र, ठीक है। फिर प्रमुख जलप्रपात के बारे में हम लोग देखते हैं। तो प्रमुख जलप्रपात क्या क्या है, देखिए तमसीर जलप्रपात चतरा से 26 किलोमीटर दूर स्थित है, ठीक है। उसके बाद बोकारो जलप्रपात है जो हजारीबाग से, इसमें नाम से मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि बोकारो है मतलब बोकारो में स्थित है, नहीं, नाम इसका है बोकारो जलप्रपात, लेकिन हजारीबाग से 8 किलोमीटर पहले जो मोरांगी गांव है वहां पे स्थित है। फिर मालदह जलप्रपात है चतरा से 18 किलोमीटर दूर स्थित है। मुनिडी, ये भटिंडा, ये अधिकतर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि भटिंडा जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो भटिंडा जलप्रपात कहाँ स्थित है, धनबाद में मुनिडीह खदान के पास के जंगलों में स्थित है मुनिडीह भटिंडा, इसको भटिंडा जलप्रपात भी कहा जाता है। कहें कि आप मुनिडीह भी देख सकते हैं या फिर कहें कि भटिंडा जलप्रपात के नाम से भी इसको जाना जाता है। फिर राजप्रप्पा जलप्रपात, यहाँ पे भी जलप्रपात बना हुआ है जो कहाँ स्थित है, रामगढ़ के पूर्व में। इसकी हाइट कितनी है, 4 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। उसके बाद प्रमुख जलकुंड है, ये भी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मैं बोलूँगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, झारखंड के हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए टाइगर जलप्रपात, टाइगर जलप्रपात कहाँ स्थित है, धर्मपथ के गिरिडीह मार्ग पर स्थित है। तेतुलिया जलप्रपात कहाँ स्थित है, धनबाद से 7 किलोमीटर की दूरी पर दामोदर नदी घाटी पर स्थित है, ठीक है। दुआरी जलप्रपात है चतरा में। सूरजकुंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बन के आता है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो ये है जलकुंड में सूरज जलकुंड। क्यों सूरज जलकुंड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये संपूर्ण भारत का सबसे ज़्यादा गर्म जलकुंड है, और इसकी तापमान लगभग 88.2 डिग्री सेल्सियस तक रहता है इसका तापमान, ठीक है। तो ये कहाँ स्थित है, ये हजारीबाग जिले में का बड़हाता से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और ये क्या है, भारत का सबसे ज़्यादा गर्म जलकुंड है। फिर हरहद जलकुंड है, ठीक है, हरहद जलकुंड है, ये भी हजारीबाग जिले में स्थित है। उसके बाद जो भी हम लोग ने अध्ययन किया उन सब के बारे में, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं और एग्ज़ाम के लिए रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन सब का अध्ययन करेंगे, ठीक है। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो हम लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, हजारीबाग है, और हजारीबाग में ही उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय भी स्थित है। फिर झारखंड का सबसे नवीनतम कौन सा जिला अलग हुआ है, हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि रामगढ़ अलग हुआ है, कितना में अलग हुआ है, 2007 में, ठीक है। उसके बाद गिरिडीह जिला हजारीबाग से कब अलग हुआ, तो गिरिडीह जिला हजारीबाग से कब अलग हुआ, हम लोग देख सकते हैं कि जो गिरिडीह जिला है हजारीबाग से कब अलग हुआ था, 1972 में। अगर 1991 की बात किया जाए तो 1991 में दो जिला अलग हुआ था, चतरा और बोकारो, ठीक है। 1833 में हजारीबाग जिला अलग हुआ था, फिर से 1991 में वही चतरा एक बार अलग हुआ था, एक बार बोकारो अलग हुआ था। 1994 में क्या अलग हुआ था, 1994 में कोडरमा अलग हुआ था, ठीक है। कोडरमा जिला किस लिए फेमस है, तो कोडरमा जिला किस लिए फेमस है, आप लोग जानते हैं अबरक उत्पादन के लिए फेमस है, पूरे देश में अबरक उत्पादन के लिए कोडरमा जिला फेमस है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस जिले को देश की कोयला राजधानी कहा जाता है, तो आप लोग जानते हैं कि धनबाद को कोयला राजधानी कहा जाता है। झारखंड का सबसे ऊंचे ऊंचा पर्वत, जैसे कि मैंने बताया पारसनाथ पहाड़ी है, पारसनाथ की सबसे ऊंची शिखर
क्या कहलाती है, जो पारसनाथ की सबसे ऊंची शिखर की मैंने बताया था संवेद शिखर कहलाती है। पारसनाथ पर्वत की ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर ऊंची है। तो बराकर नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, तो बराकर नदी का मैंने कहा कि उद्गम स्थान कहाँ है, उत्तरी छोटानागपुर का पठार, ठीक है, सॉरी ये पठार होगा, पठार उत्तरी छोटानागपुर का पठार, ठीक है। फिर भारत का सबसे ज़्यादा जल गर्म कुंड कहाँ स्थित है, ये स्थित है हम लोग का हजारीबाग जिले में, सबसे ज़्यादा जो गर्म जल कुंड है हजारीबाग में स्थित है, 88 डिग्री सेल्सियस लगभग इसका तापमान रहता है और ये भारत का सबसे ज़्यादा गर्म जल कुंड माना जाता है, ठीक है। तो पिछले लेसन में मैंने जो पिछले वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर होगा चतरा कि लावालौंग अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, चतरा में स्थित है, ठीक है। और आज का आपके लिए जो प्रश्न बनेगा कि संक नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और इसके बारे में आप लोग जितना डिटेल से जानेंगे डिटेल से लिख सकते हैं, क्योंकि आप जो एक बार लिख देंगे उसे आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद हमारी वीडियोज़ को देखने के लिए, और इससे पहले जो तीन वीडियो मैंने अपलोड की है उनको अगर नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख ले। आपके लिए एग्ज़ाम से रिलेटेड झारखंड के भूगोल का बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है। धन्यवाद, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और आपके जितने भी स्टडी ग्रुप है उनमें शेयर कर दीजिए।